हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आसान लाइफ में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे शर्ट कैसे स्टिचिंग किया जाता है, सिंपल कमीज की सिलाई। अभी सबसे पहले हम गला लगाना सिखाएंगे आपको, इजी तरीके से कैसे लगाया जाता है। ये हमने गले की कटिंग कर ली है, गोल गला है, और इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। अभी ये एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, इस पर हम ये इस पे हमने रख लिया है। ये हमने इस तरह कपड़े पे रख लिया है गला, और हम इस पे सिलाई लगाएंगे अभी। आप सुई के साथ भी कच्चा कर सकते हैं, मेरी प्रैक्टिस हुई हुई है, हिलेगा नहीं। सारी सिलाई लगा लेंगे हम ऐसे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसकी राउंड राउंड कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़ा रख के। ये देखिए, फिर हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। फोल्ड करके इस पे सिलाई लगाएंगे। ये सारे पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे हम, सारे पे फोल्ड करके ऐसे। ठीक है, देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है सारी फोल्ड करके। अब हम इसको भी कटिंग करेंगे। ये थोड़ा सा इतना का एक्स्ट्रा जो सिलाई में आ जाए रख के हम इसको अंदर से कटिंग कर लेंगे कपड़े को। ये हम बाद में भी कटिंग कर सकते हैं गला अटैच करके, लेकिन मैं इसकी कटिंग पहले ही कर लेती हूँ, बहुत इजी रहता है ऐसे लगाना। ये कटिंग हो गई है, और अब हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसके सेंटर में कट लगा लेंगे यहाँ पे। ये हमने शर्ट का अगला हिस्सा ले लिया है। ये हमारा उल्टा उल्टा पासा है, और ये हमारा सीधा है। इस तरफ से हम सीधी तरफ से रखेंगे, और इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे शर्ट की। ये हमारा डबल फोल्ड हो गया है। अभी हम इस पे, हमने पहले ही 2.5 इंच की कट के निशान लगाए हुए हैं यहाँ पे, गले की चौड़ाई रखनी है जितनी हमने ये लगा लिए हैं। अभी हम इसके ऊपर गले को रखेंगे ऐसे। ये हमने कट पे रखा है, और फिर यहाँ पे इसका जो हाफ है ये सेंटर का मैंने कट लगाया हुआ है। ऐसे ही हम शर्ट वाले उस पर निशान लगा लेंगे एक सेंटर में। ये हमारा निशान लग गया है, और अभी हम इसको खोल लेंगे ऐसे। ये ध्यान रखना है कि ये हमारा सीधा हाथ है, शर्ट का सीधा पासा है। सीधी तरफ ही हम गले को ऐसे रखेंगे। ये जो कट के निशान लगाए हुए हैं हमने, कितना चौड़ाई रखनी है उसके ऊपर इसको अटैच करेंगे दोनों को।
देखिए ये भी हमारा बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, ये निशान जहाँ पे हमने गले का कट लगाया हुआ है। आप चाहे तो पहले सुई से इसको कच्चा कर सकते हैं जो बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी, लेकिन मैं मशीन से ही इसको सीधी सिलाई लगा दूंगी। ऐसे रखना है, हिलना नहीं चाहिए हमारा गला सिलाई लगाते समय। ये हाथ से हमने इसे इस तरह हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लग गई है हमारी, अभी हम इसको ये बीच वाला जो कपड़ा है इसको कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा, इतना रख के इसको कपड़े को थोड़ा सा आधा के इंच अंदर रख के। ये कटिंग हो गई है। तुरपाई करते समय हमारे गले में बल ना पड़े इसलिए हम इसके में बीच में कट के निशान लगाएंगे। ये गोल गले में लगानी चाहिए हमें कट, हमारे कट के निशान लग गए हैं। अभी हम इसको देखो ऐसे करके सिलाई को पक्की कर देंगे, डबल हो जाएगी हमारी सिलाई। इस तरह हम पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा गला अटैच हो गया है, फिर तुरपाई करते समय हमारा ऐसे फोल्ड हो जाएगा ये। देखिए गला हमारा तैयार हो गया है अगला, और अभी हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। इसमें निशान लगे हुए हैं हमारे प्लेट्स के, ये हम पहले लंबी प्लेट्स डालेंगे सूट में। ये व्हाइट कलर का हमने निशान लगा रखा है, इसको फोल्ड कर लेंगे कपड़े को ऐसे, क्योंकि ये बहुत ही पतला कपड़ा है इसके लिए हम इस पे खिसके ना, इसलिए हम ये कातर लगाएंगे। ये नीचे रख लेंगे, इसके ऊपर रख के हम इसको सिलाई लगाएंगे। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा ब्रीक कोने से स्टार्ट करना है और सेंटर से हम थोड़ा मोटी अंदर तक सिलाई लेके ऐसे रिम में उतार देंगे ऐसे करके। ये हमारी दोनों प्लेट्स डल चुकी हैं लंबे वाली, और हम अब साइड्स वाली प्लेट्स डालेंगे, इनमें कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। इसको पकड़ कर हम पहले ऊपर वाली, इसको भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और रे में लाकर नीचे उतार देंगे सिलाई को। दोस्तों देखो हमारे ये सारी प्लेट्स डल चुकी हैं, ये लंबे वाली भी, ये ऊपर वाली भी, और ये साइड वाली भी, ये हमारी प्लेट्स हो गई हैं। देखिए ये हमारे सीधी तरफ से अच्छी शेप बनी है। अभी हम बैक साइड के गला लगाएंगे, बैक साइड का फ्रंट हमारा ये कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हम रेब कटिंग में कातर कटिंग करेंगे पिछले बैक गले के लिए, खींच के देखना है जैसे ये। अभी हम इसमें से कटिंग करेंगे, इतनी चौड़ी बहुत है। ये हमारी कट हो गई है रेब में। अब
अभी हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे। और जो हमारी शर्ट है उसका हम सीधी तरफ से रखेंगे, सीधी तरफ से, और सीधी तरफ पे ही हम इस गले पे ऐसे रखेंगे इस कातर को, डबल फोल्ड को ऐसे। और ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे ये सारी ऐसे करके, इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और हम इसमें बढ़ना पड़े तो इसमें भी हम कट लगाएंगे, हल्के हल्के कट लगाने हैं हमने। इससे कट लगाने से हमारे गले की फिनिशिंग आती है। और अभी हम इसको ऐसे ही रख के, जैसे हमने फ्रंट साइड का ऐसे सिलाई लगाई थी, इससे हमारा गला पक्का हो जाता है, फटता नहीं है जल्दी। सिलाई लगा लेंगे दबा कर इसको, और अच्छी सफाई आएगी गले की। अभी हम बैक साइड की भी प्लेट्स डालेंगे, इसमें सिर्फ लंबे वाली प्लेट्स डलती हैं। ये बैक की प्लेट्स भी डल चुके हैं, गला भी लग चुका है। और अब हम इसके बैक और फ्रंट दोनों को अटैच कर लेंगे, दोनों को उल्टा रख के। दोनों के कंधे देखिए, ये गला हम इसको गले की सिलाई को बैक साइड और फ्रंट साइड की ऐसे दोनों उल्टे हैं, ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है, इस तरफ से इनको अटैच करके दोनों कंधे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से दूसरे कंधे की भी। डबल सिलाई लगा लेंगे। अभी ये हमने बाजू ली है, इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमने जितनी खुली रखनी है उसका निशान लगा लेंगे। ये फ्रंट है, फ्रंट का हम रखेंगे 6.5, 6.5, और बैक से इसका मोटा है हमने वो मिल लिया है 9.5। अब हम इसमें रेब में निशान लगा देंगे। और इसकी सिलाई लगा लेंगे। अभी हम शर्ट की फिटिंग के निशान लगा लिए। हमने हमेशा प्लेट्स डालने के बाद ही निशान लगाने चाहिए, मैंने अभी लगाए हैं। और अभी हम इसको सिलाई कर लेंगे दोनों साइड से। ये देखिए, इसको अटैच करके इसको हम सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम दोबारा फिर डबल सिलाई लगाएंगे, दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसको घुमा कर ऐसे हम डबल सिलाई कर लेंगे इसकी।
अभी हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। ये इसके नाप का ही हमने ये पीछे से निशान लगाया था। अभी इसको सीधा कर लेंगे। और ये ध्यान रखना है हमने, जैसे ये काट डली हुई है आधा इंच की, ये फ्रंट की, ये फ्रंट में ही इसके फ्रंट में आनी चाहिए, इसमें डली हुई है काट, तो हम इसको अंदर ऐसे डालेंगे सीधा करके बाजू को। और इस सिलाई के साथ ये सिलाई अटैच करके ऐसे रख लेंगे। और सिलाई लगाएंगे बाजू अंदर की तरफ। हमारी बाजू अटैच हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी लगाएंगे। इसको भी हम सीधा कर लेंगे ऐसे। ऐसे डालेंगे हम इसके अंदर। सीधी तरफ से और ऐसे ही सिलाई से अटैच करके हमने पूरी राउंड राउंड सिलाई लगा देनी है ऐसे। देखिए दोनों बाजू अटैच हो गई हैं। ये भी अभी हम नीचे से फोल्ड करेंगे। ये हमने कट के निशान लगाए हुए हैं पहले से ही, 2 इंच नीचे से फोल्ड करना है। इसको मोटी चाल से कर लेंगे ताकि बाद में तुरपाई करेंगे और फिर इसको उधेड़ देंगे। नीचे का फोल्ड हो गया है। अभी हम चाक इसको साइड में भी फोल्ड कर लेंगे इनको, चाक को। ये हमने जितना यहाँ पे बचा हुआ है इसकी रेब में करना है फोल्ड। देखिए फ्रेंड्स, हमारे शर्ट की स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट, प्लेट्स वाले शर्ट की। और आप भी ऐसे ही आसान तरीके से शर्ट स्टिच कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आगे की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू दोस्तों।